अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एन अमेजिंग होममेड रेमेडी जो कि आप लोग इजीली घर पे बना सकते हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे जो इजीली आपकी किचन कैबिनेट में अवेलेबल होंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्टली वी हैव दिस मिल्क। ये जो है ना मैंने बॉयल किया हुआ मिल्क लिया है, लेकिन आप लोग जो है ना वो विदाउट बॉयलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क की जगह आप लोग जो है मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क जो है ना वो बहुत ही अच्छा जो है ना क्लिनजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और आपके फेस के ऊपर जो है ना वो ड्राइनेस नहीं आने देता, बहुत मॉइस्चराइज कर देता है फेस को। अगर आप में से कोई जो है ना वो मिल्क के साथ क्लिनजिंग करता है तो उसको जो है ना इसके रिजल्ट के बारे में पता होगा। सो आर सेकेंड इन्ग्रीडियंट इज़ दी मुल्तानी मर्ड। यहाँ पर जो है ना मैं सईद गनी की मुल्तानी मर्ड यूज़ कर रही हूँ। इट कंटेन्स लेवेंडर पाउडर ऑल्सो, लेकिन आप लोग लोकल मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। खैर ये मैंने काफ़ी अर्से की परचेज़ की हुई है, इसकी क्वान्टिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। पाउच जो है इसका बॉक्स थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी देर तक चलती है। लाइक यू ओनली नीड टू ऐड 1 टेबल स्पून और समटाइम्स 2, लेकिन 2 भी बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, जस्ट अ लिटिल बिट। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर इसको ऐड करते हैं और जल्दी से अपना फेस पैक बनाते हैं। ये फेस पैक जो है ना ये गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है, बिकॉज गर्मियों में आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, स्पेशली इस वेदर में जो आजकल चल रहा है इसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। बेशक आपकी स्किन ड्राई है, मेरी भी स्किन ड्राई है, लेकिन समटाइम्स मुझे फील होता है जैसे मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया। तो मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो ऑयल, एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होती है। खैर ये मैंने थोड़ी सी मुल्तानी मर्ड ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं 1 से 2 चम्मच जो है ना वो मिल्क ऐड करूँगी, सिर्फ जो है ना उसको थिक करने के लिए, सॉरी इसको थोड़ा सा ना फ्लोई करने के लिए, ताकि इजीली जो है ना ये क्रीम सी बन जाए और आपके फेस के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो खैर ओके जी, तो मैंने जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा और मिल्क पाउडर ऐड करने लगी हूँ ताकि ये सही से मिक्सअप हो जाए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो थोड़ा सा पाउडर होती है, तो उसको जो है ना आपको अच्छे से पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। सेकेंडली आपने जब इसको फेस के ऊपर लगाना है तो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको फेस से रिमूव करना। तो थोड़ा सा सेमी ड्राई जब हो जाएगा तब आप लोगों ने थोड़ी सी स्क्रबिंग करके इसको फेस से रिमूव करना है, अपने हाथों पर, पाँव पर, फेस पर, हर जगह कर सकते हैं। सो एट दी एंड इट शुड बी लुक लाइक दिस। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये फेस पैक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए समर्स के अंदर। अगर आप लोग इसको यूज़ करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और इस तरह की और रेमेडीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।